हाल में ही राहुल गांधी का बयान आया था कि जिनका भी टाइटल मोदी होता है या तो वो भगौड़े होते हैं या फिर जो होते हैं, उसके लगभग 24 घंटे बाद उनका लोकसभा का सदस्यता हटा दिया गया, साथ ही साथ उनको 2 साल की सजा हो गई। इसको लेकर यहाँ पे पटना में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ MLC है प्रेमचंद मिश्रा, चलिए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि तो क्या लगता है क्यों सदस्यता हटा दिया गया राहुल गांधी। ये तो मोदी जी से पूछिएगा ना। नहीं, आप भी विरोध कर रहे हैं ना इस चीज पे? हम तो उस निर्णय के खिलाफ में सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका तो ये कहना है कि जिनका भी ये टाइटल होता है कहीं ना कहीं अति पिछड़ों का ये अपमान कर रहे हैं, इसलिए हटा दिया गया। वो जात पात धार्मिक उन्माद की ही बात करते हैं ना वो लोग जी। राहुल जी ने किसी जाति को लेकर तो उल्लेखित नहीं किया था, उन्होंने अपने भाषण क्रम में एक एग्जाम्पल दिया कि अमुक अमुक यही लोग लगभग 30,000 करोड़ लेके चले गए। आप अडानी के मामले को जोड़ रहे हैं जो कि बीजेपी कह रही है कि वो नहीं है। नहीं, बीजेपी कह रही नहीं है तो आप JPC गठन करके जांच क्यों नहीं कर रहे? JPC की ही तो मांग कर रहे थे, क्यों नहीं जांच करवाए? आप घबरा क्यों रहे राहुल गांधी से? अडानी को पैसे गए हैं, SBI का पैसा चला गया उसकी कंपनी को, LIC का पैसा चला गया उसकी कंपनी, ये तो सच्चाई है ना। JPC गठन की मांग इसलिए तो कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पार्टी के MP होते हैं, जांच होने दो। जो जांच से क्यों भागी? लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? सड़क पर बोलेंगे, जनता के बीच में जाकर बोलेंगे। विपक्षी एकता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। बीजेपी को जो बोलना है बोले, सोचते रहे, मुगालते में रहे, आम जनता जब तैयार हो जाती है ना तो अपने आप स्थितियां अनुकूल हो जाती है। जनता तैयार है, जनता ने जान लिया है कि मोदी जी गलत काम कर रहे, गलत लाइन पर देश को ले जा रहे, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे। उनका ये कहना है कि जनता तो उनके साथ है। पिछला चुनाव में भी 11 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस के साथ जनता नहीं है, तब राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी की सदस्यता क्यों खत्म कर दिया गैर कानूनी तरीके से? कानून में ये प्रावधान है, अगर कोर्ट का कोई फैसला होता है किसी सदस्य के बारे में, उसको अपील करने का हक समय दिया जाता है। आप बिना अपील में गए, बिना अपील पर सुनवाई करे एक तरफा फैसला कर लिया, तो यह अलोकतांत्रिक कदम है। इसलिए हम लोग सत्याग्रह के राह पर आए हैं, ये गांधीन का रास्ता है। सत्याग्रह के इसी रास्ते से हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था। आगे क्या रणनीति हो सकता है सर सत्याग्रह के बाद? कांग्रेस लीगल, कानूनी, राजनीतिक, पॉलिटिकल दोनों फ्रंट पर लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस की वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया? बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर है। राहुल गांधी की जो अपार सफलता देखा उन लोगों पूरे देश में, वो कहीं न कहीं BJP को घबरा दिया। और नरेंद्र मोदी जी तो इसी राहुल गांधी से डरते हैं, उनकी उपस्थिति उनको असहज करती है। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, वो वापस आएंगे और जीतेंगे और BJP को हराएंगे। तो अभी हम चलिए बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से, अखिलेश सिंह से हम बात करते हैं और हम जानते हैं कि सत्याग्रह के रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जानबूझकर ऐसा ये लगाया गया है और इनका ये भी कहना है कि जबरदस्ती का इन पे चार्ज लगाया गया, 24 घंटे के अंदर ये लगाया गया था। जो बराबर सारे सरकारी कर्म को प्राइवेट, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा के सक्सेस की वजह से उनको ये सजा सुनाई गई और सदस्यता हटा दी गई? भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस तो है ही, राहुल जी अकेले देश में अपोजिशन लीडर हैं जो प्रभावी तरीके से मोदी के आंख में आंख डाल के और अब देश का इश्यूज उठा रहे थे, गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्र नौजवानों का इशू उठाते थे। और अभी जो ये कॉरपोरेट घोटाला हुआ अदानी का इतना बड़ा देशवासियों के साथ, उसको उन्होंने तर्क के आधार पर मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया था 25 दिन पहले संसद में। उसी दिन ये लोग दुराग्रह से, राजनीतिक दुराग्रह के कारण, और नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी दोबारा फिर इस बात को संसद में उठाएं कि किस तरह से PMO की संलिप्तता है अदानी को मदद करने की, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था, इसलिए ये साजिश हुई। ये उनका कहना है कि जनता उनके साथ है।
जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया है और जनता उनके साथ है। अब जनता किसके साथ है, जनता किसके साथ रही है वो तो समय बताएगा। 2024 का चुनाव आने वाला है, अभी कर्नाटक का चुनाव आने वाला है, उसमें ये तय होगा। क्या लगता है ये राजनीतिक साजिश है जिसके वजह से इनको सजा दिया गया? बिल्कुल राजनीतिक विद्वेष और साजिश के तहत अधिनायकवादी तरीके से ये सरकार चल रही है। प्रजातंत्र की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है, जमहूरियत और जनतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, सारे प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है। ये सवाल राहुल जी खड़ा करते हैं। अच्छा, आगे का क्या रणनीति रहेगा सर, आगे आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो अब जनतंत्र में हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता के इश्यूज को उठाते रहेंगे, इसके अलावा और क्या हम लोग करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि विपक्ष को बलगलाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आपको कुछ जानकारी ठीक है, 10 साल चली UPA 1 UPA 2, इस समय भी ये ED था, उस समय भी CBI थी। ED के कितने छापे पड़े 10 साल में? 112, और इनके 8.5-9 साल में 3200 से ज़्यादा छापे मारे गए, और उस 3200 छापों में भी 95% छापे अपोजिशन लीडर्स के यहाँ मारे गए। अभी हम लोगों का अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ छापे पड़ने लगे। सबसे ज्यादा 95% में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पड़ा, TMC पर पड़ा, NCP पर पड़ा, RJD पर पड़ा। अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ सबको मालूम है। तो ये सरकार लगातार अपोजिशन लीडर्स का को आवाज़ को कुंद करना चाहती है। बीजेपी वालों का कहना है कि ज्यादा दिन तक आप लोग का एकता नहीं चलेगा, नहीं वो ले जाएं डरा डरा के। वो तो ऐसे भी कहीं सरकार नहीं बनती है तो सारे MLA को खरीदते हैं। ये तो पहला बार जनतंत्र में ऐसा होते हुए भी कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है। देख सकते हैं एक बार कहना कि सत्याग्रह का मार्ग है, ताकि जो भी न्याय है वो दिया जाए। साथ ही साथ का ये कहना है कि बीजेपी वालों का हमेशा से ये रहा है कि झूठ मूठ का केसेस फाइल करके और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के सक्सेस से ये लोग डर चुके हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द कर दी है। 24 घंटे में पहली बार ऐसा किया गया है कि किसी की सदस्यता हटा दी गई। अब देखना है कि कांग्रेस वाले आगे क्या करते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, मैं काजल।